आखिर कैसे दुबई दुनिया के तीसरे सबसे अमीर देश बन गया? दुबई के पास इतना पैसा कहां से आता है? बेहतरीन जानकारी दूंगा, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। ज्यादातर तो लोगों को लगता है कि दुबई तेल की वजह से इतना अमीर बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुबई की टोटल रेवेन्यू में से तेल का मात्र 1% का ही योगदान होता है। दरअसल ऐसा सिर्फ दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन रशीद की वजह से हो पाया। उनका मानना है कि दुबई को दुनिया का सबसे अमीर देश बनाना है तो उन्हें दुबई के हर चीज को नंबर 1 बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने दुबई के हर चीज को नंबर 1 बनाना शुरू कर दिया, जैसे दुनिया के सबसे लंबा टावर बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट दुबई गोल्ड सूट, दुनिया के सबसे आलीशान होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया के सबसे बड़ा गार्डन दुबई मेडिकल गार्डन, दुनिया के सबसे बड़ा इंसानों के द्वारा बनाया गया आइलैंड पाम जुमेरा आइलैंड। इसके अलावा भी उन्होंने अंडर वाटर होटल, अंडर वाटर ब्रिज और भी बहुत सारी चीजें बनवाई। जब इन सब चीजों से भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ा डिज्नीलैंड बनवाने का सोचा, लेकिन डिज्नी ने परमिशन नहीं दिया। तब उन्होंने डिज्नीलैंड से 3 गुना ज्यादा बड़ा दुबई लैंड बनवाया और इन सब चीजों के कारण दुबई दुनिया के सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट बन गया और 20 सालों के अंदर दुबई दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में आ गया।